स्वागत है आपका हमारी वीडियो में और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान चौधरी। आज हम अंबाला कैंट में पहुंचे हैं डॉक्टर बालाजी आयुर्वेदिक क्लिनिक पर, जहाँ पर गुप्त रोगों का जो है वो इलाज किया जाता है आयुर्वेदिक तरीके से, आयुर्वेदिक विधियों द्वारा जो है इस तरह से गुप्त रोगों का इलाज किया जाता है। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके जिनके पास हम पहुंचे क्योंकि हमने कई बार इनके चर्चे सुने, क्योंकि अगर हम आज के समय की बात करें ना तो आज के समय में हर तीसरे इंसान के अंदर इस तरह की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से आयुर्वेदिक तरीके से जड़ी बूटियों से बनाई हुई ये दवाई है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हम डॉक्टर साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। शुक्रिया शुक्रिया मैम। देखिए, अक्सर क्या होता है कि हमारी जो आयुर्वेदिक पद्धति है ये वात पित्त कफ और सप्त धातुओं पर आधारित होती है। सप्त धातु से मेरे कहने का मतलब है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जब ये चीजें आपकी बॉडी के अंदर डिसबैलेंस होंगी तो मर्दाना कमजोरी या गुप्त रोगों की समस्या आती है। ये किसी भी कारण से हो सकता है, गलत खान पान से हो सकता है, पर्यावरण का कारण हो सकता है। हमारी जो दवाइयां हैं ये प्योर आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, औषधियां हैं जो जड़ से इस समस्या का नाश करती है। डॉक्टर साहब, कई ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी को छुपाते हैं, बताते नहीं है, तो आप बताओ उनको कि आने वाले समय में या बढ़ते समय में आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मैम देखिए, हम तो हर पेशेंट से हमारा एक यही कहना होता है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कमजोरी आ रही है उसे छुपाएं ना, उसे अपने फिजिशियन से, अपने आयुर्वेदिक से शेयर करें, तभी उस समस्या का समाधान निकल पाएगा। जो आपके पास जो दवाई है जो आपने आयुर्वेदिक जड़ी बूटी विधियों द्वारा जो बनाई है, क्या ये खाने के बाद कुछ साइड इफेक्ट जो है वो भी देखने को मिलता है? मैम ये आयुर्वेदिक पद्धति की ऐसी पद्धति जिसमें किसी भी औषधि का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। इसका सबसे बड़ा फायदा ही ये कि इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हम मरीज को कहते हैं कि वो परहेज भी करे। अगर वो परहेज करता है और प्रॉपर तरीके से अपनी दवाई लेता है तो इसका जो इफेक्ट होता है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो आप कितने समय से सेवा दे रहे हैं और आपके पास से कितने पेशेंट ठीक हो गए हैं? मैम मैं 20 वर्षों से इस फील्ड में हूँ। मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ, मैं BMS हूँ और CCM से मैं एफिलेटेड हूँ। हमारा मेन मकसद होता है जब भी हमारे पास कोई मरीज आता है, हम सबसे पहले उसकी नब्ज चेक करते हैं। नब्ज चेक करने के बाद ही हमें ये इस बात का पता लगता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से उस बंदे को दिक्कत आ रही है, और उसी के आधार पर हम उन्हें दवाई बना कर देते हैं। अगर कोई आपसे इलाज लेना चाहे, क्या वो आपके पास आ सकते हैं या फिर आपको कॉल करके फिर आप ऑनलाइन डिलीवरी से उनके घर पे वो दवाई पहुंचा देंगे? मैम देखिए, हमारा सबसे अगर हम तो ये कहने का हमारा मकसद ये होता है कि अगर पेशेंट हमसे फेस टू फेस मिल सके तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि फेस टू फेस मिलने से ये होता है कि हम उसके बंदे की नब्ज चेक कर सकते हैं। हाँ, अगर मजबूरी है, कोई दूर से है, नहीं आ सकता, तो फिर हमें अपने फोन पे हम उसे हमसे सलाह ले, हमें अपने सिम्टम्स बताए, उस आधार पर हम दवाई बनाकर भेज देते हैं। तो अभी प्रॉपर कहाँ पर आपकी लोकेशन है समय वो बता दें। मैम देखिए, हम अम्बाला में हम हर बुधवार आते हैं 12 से लेकर 7 बजे तक, बस स्टैंड होटल बत्रा पैलेस के समीप, हफ्ते में एक दिन बैठते हैं। तो कुछ और मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैम मैं मैसेज में सिर्फ ये देना चाहूंगा कि सबसे पहले बात ये कि पेशेंट शर्माए ना, खुलकर अपनी समस्या के बारे में अपने फिजिशियन को बताए और इस चीज को मान के चले कि जो दवाइयां हैं आयुर्वेदिक पद्धति है, ये आयुर्वेदिक पद्धति आपका किसी भी रोग का जड़ से समूल नाश करती है। इसका बेसिकली फंडा ये होता है कि ये आपके वात पित्त कफ को बैलेंस करेगी, सप्त धातु को ठीक करेगी। अगर मैं आपसे सीधी भाषा में बोलूँ तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को अच्छा करती है, जिससे मर्दाना कमजोरी या गुप्त रोग जो होते हैं उसका समूल नाश होता है। हम तरह तरह के साइड इफेक्ट की शिकार हो जाते हैं क्योंकि हम ऑनलाइन तरीके से दवाइयां मंगवाते हैं, उसके बाद जो है मार्केट में बिकने वाली नीली पीली गोली खाते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत बुरा जो है साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये पूरी तरह से नेचुरल तरीके से बनाया हुआ है। तो डॉक्टर साहब, ये गुप्त रोग में कितने प्रकार के रोग होते हैं वो बता दें। गुप्त रोग में कई तरह की बीमारियां होती हैं, इसमें शिखर पतन की दिक्कत होती है, नाइट फॉल की दिक्कत होती है, उत्तेजना में कमी होती है, कम नील शुक्राणु होती है, धातु रोग की भी बड़ी दिक्कत आई हुई है आजकल पेशेंटों में। डॉक्टर साहब, खान पीन की वजह से भी क्या ऐसी समस्या देखने को मिलती है? हाँ जी, खाने पीने से तो बहुत ज्यादा दिक्कत आई हुई है पेशेंटों में, जो आजकल जंक फूड या फास्ट फूड वगैरह यूज करते हैं इससे तो पेशेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत आई। क्या आपके पास से कोई ऐसा पेशेंट जो है वो ठीक होकर गया है? हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ठीक हो गए हैं। हमारे पास यहाँ पे शाहबाद से एक पेशेंट आया हुआ था, उसको शिखर पतन की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, उसके नियर अबाउट मैरिज भी थी, लेकिन उसको 26-27 साल का पेशेंट था। उसको मैंने 15 से 20 दिन पहले दवाई खिलाई है, उसके बाद कुछ उसके टेस्ट वगैरह करा के देखा, उसको बिल्कुल आराम आ गया, वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो और क्या कुछ मैसेज देना चाहूंगा? बस मैं अपने दर्शकों से यही मैसेज देना चाहूंगा, अपने फिजिशियन से घबराएं नहीं, अपनी बीमारी का पूरा इलाज कराएं और हमारे को बताएं, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो डॉक्टर साहब आप एक बार हमें बता दीजिए कि जो औषधि यहाँ पर रखी गई है किस तरह से अपना काम करती है। मैम देखिए, जितनी भी आप देख रहे हैं दवाइयाँ देख रहे हैं, जिन्हें हम औषधि कहते हैं, ये बेसिकली रसायन और बाजीगर औषधियाँ होती हैं। ये आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करती हैं, आपके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड डिपोजिशन अच्छा करती हैं, सप्त धातुओं को ठीक करती हैं और बात कफ को बैलेंस करती हैं, जिससे जो गुप्त रोग की समस्या है इसका पूर्ण समाधान होता है। अगर कोई पेशेंट आना चाहे क्या उनको कुछ जांच वगैरह करवानी पड़ती है? देखिए मैडम, बेसिकली पहले हम जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, सबसे पहले हम उसकी नब्ज की जांच करते हैं, ठीक है जी। नब्ज की जांच करके उसे पहले 15 दिन हम दवाई बनाकर देते हैं। फिर कुछ बेसिक से टेस्ट होते हैं, जैसे आपका टेस्टोस्टिडोन है, प्रोलेक्टिन है, कैल्शियम एक बहुत बड़ा कारण है, लिपिड प्रोफाइल है, वो हम जरूरत पड़ने पर कराते हैं, टेस्ट कराते हैं। लेकिन पहला हमारा काम होता है पेशेंट की नब्ज की जाँच करना।